हेलो, मैं हूं करण बजाज। एंड अगर मैं ये रिफ्लेक्ट करूं कि कौन सी एक हैबिट है जिसने मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया है पिछले 10 साल में, तो वो डेफिनेटली है मेडिटेशन। मेडिटेशन के वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हुई है, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स बेटर हुए हैं एंड मेरी हेल्थ में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। चाहे वो मेरी डाइट हो या स्लीपिंग हो, एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर मेडिटेशन। इसलिए अगले 5 मिनट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी बिगिनर कैसे मेडिटेशन स्टार्ट कर सकता है सिर्फ 3 स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1, एक फर्म कमिटमेंट, एक दृढ़ निश्चय कि आप मेडिटेशन को कंटिन्यू करेंगे थोड़े टाइम के लिए। ये दृढ़ निश्चय, ये फर्म कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देखा है मेडिटेशन में वो ये है कि लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ दिन करते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर छोड़ देते हैं। और वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है कि इतना बड़ा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस वो लोग हमेशा लाइफ के लिए खो देते हैं। पर आप बस एक दृढ़ निश्चय करें कि आप करेंगे ही मेडिटेशन। मैं अगर अपना भी एक्सपीरियंस देखूं, मैंने 2012 में सबसे पहले स्टार्ट करा मेडिटेशन, और बस मैंने कमिटमेंट किया कि मैं सुबह शाम बस करूंगा, और सुबह 30 मिनट्स और रात को सोने से पहले 30 मिनट्स मैं मेडिटेट करने की कोशिश करता था। शुरुआत में इट वॉज़ वेरी टफ, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं था मेडिटेशन का। कुछ कुछ बुक से पढ़ के समझने की कोशिश करता था, कुछ वीडियोस देख के समझने की कोशिश करता था, बट कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने और बुक्स पढ़ी, विपासना मेडिटेशन 10 डे साइलेंट रिट्रीट करा, उसका वीडियो यहाँ देख सकते हैं विपासना मेडिटेशन का। और फिर थोड़ा टाइम योगा आश्रम में रहा इंडिया में, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने स्टार्ट हुए, और उसके बाद मैंने रेगुलर मेडिटेशन स्टार्ट करा और इमीडिएटली मेरे लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स हुए। तो बस आपको ये कमिटमेंट करना है कि आप सुबह शाम 30 मिनट्स के लिए, सुबह मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने के पहले, आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन करेंगे और आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। और स्टेप नंबर 2, मेडिटेशन का थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहे। मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है, पर अगर मैं सब कुछ कंसोलिडेट करूं तो मेडिटेशन का एक प्रिंसिपल सामने आता है। मेडिटेशन इज द स्टिलिंग ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ द माइंड। इसको योगा में चित्त वृत्ति निरोधा, विच इज चित्ता विच इज कॉन्शियसनेस, वृत्ति वेव्स, निरोध मीन्स स्टॉपिंग। सो स्टॉपिंग ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ द माइंड इज व्हाट मेडिटेशन इज। सो अगर आप देखें, पूरा दिन आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आते रहते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको ये बोलना था, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, पूरा दिन एक थॉट वेव्स। रात को सोते हुए भी आते हैं, इसलिए स्लीप इतना रेस्टलेस रहता है। मेडिटेशन जस्ट स्टिल्स द थॉट वेव्स ऑफ द माइंड। और अगर आप खुद ही सोचें कि अगर ये स्टिल हो जाते हैं आपके माइंड के थॉट वेव्स, तो कितना बेनिफिट होगा, आपका स्लीप इंप्रूव होगा। आप अगर किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें तो उसके ऊपर अनलिमिटेड तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जैसे ही आपके माइंड के थॉट वेव्स स्टिल होना स्टार्ट होंगे। एंड मेडिटेशन सिर्फ 2 टाइप्स के हैं, 1 इज कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन एंड 2 इज विपासना और इनसाइट बेस्ड मेडिटेशन। सारी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मेडिटेशन इवेंचुअली ये 2 स्ट्रीम्स में कन्वर्ज होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन या विपासना। कॉन्सेंट्रेशन में थॉट एक आइडिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उससे स्टिलिंग होता है थॉट वेव्स का। विपासना और इनसाइट मेडिटेशन में आप बस ऑब्जर्व करते हैं, इनसाइट लेते हैं कि कैसे थॉट वेव्स अप डाउन थॉट वेव्स जा रहे हैं आ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस देख के माइंड में एक इनसाइट आता है कि ये तो बस एक सिलसिला है जो चलता ही रहता है और मैं किसी भी थॉट पे मुझे अटैच नहीं होना है। बट ये जो इनसाइट और विपासना बेस्ड मेडिटेशन है, ये थोड़ा सा और सटल प्रोसेस है, इसलिए बिगिनर्स के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन से स्टार्ट करें, जहाँ पे वो एक प्रिंसिपल, एक थॉट पे फोकस करके अपने माइंड के थॉट वेव्स को स्टिल कर रहे हैं। तो अब कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन के अंदर डाइव करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन के लिए यू जस्ट नीड 2 थिंग्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अ पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करो और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, और एक पॉइंट जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करो अपने माइंड में ताकि आपका फोकस उसके ऊपर स्ट्रांग रहे। बस ये एक ऑब्जेक्ट और एक पॉइंट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन होता है ब्रेथ और अपनी सांस, इससे स्टार्ट करें बिकॉज ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप अपनी आंखें बंद करें मॉर्निंग इवनिंग 30 मिनट के लिए और बस फोकस करें अपनी ब्रेथ पे, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, आप अपना ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं, और इस एरिया, इस पॉइंट जो कि लिप्स के ऊपर और नोज के नीचे है, कि यहाँ पे ब्रेथ आपकी आ रही है और ब्रेथ आपकी जा रही है, ब्रेथ आपकी आ रही है, ब्रेथ आपकी जा रही है। आप बस आईज क्लोज करके मॉर्निंग इवनिंग 30 मिनट्स ईच
अगर आपने अपनी ब्रेथ पे फोकस करा तो सून आप देखेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना इंप्रूव हो गया, बिकॉज आपने बस एक आइडिया पे 30 मिनट बैठ के कॉन्सेंट्रेट करा। तो हर एरिया में लाइफ में आपको उस कॉन्सेंट्रेशन का फायदा दिखेगा, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है अपने माइंड को हार्नेस करने का। सो ये है कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन। अगर आपको ब्रेथ थोड़ा ड्राई लगे, यू कैन यूज अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन, मैंने बुद्ध की इमेज पे, गौतम बुद्ध की इमेज पे कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करा। तो मैं उनका इमेज अपने माइंड में रखता था और अपना थर्ड आई रीजन, जिस ये दो आईज के बीच में, आंखें बंद करके बस मैं कॉन्सेंट्रेट करता था बुद्ध की इमेज पे अपने माइंड में, मॉर्निंग 30 मिनट्स एंड इवनिंग 30 मिनट्स। एंड ये करता रहा और इमीडिएटली मुझे काफ़ी इम्पैक्ट दिखा अपने कॉन्सेंट्रेशन में ये करने का। नाउ अच्छा न्यूज़ ये है कि थोड़े टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन अपने आप इनसाइट और विपासना बनता है। जैसे आपका माइंड और फाइन और सटल होता रहा, बिकॉज इट्स ट्रेन टू थिंक ऑन वन थॉट, इट स्टार्ट्स टू नोट कि अच्छा पूरा टाइम मेरे ये थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं। एंड ये नॉलेज से बहुत कामनेस आता है, बिकॉज आप हर थॉट पे रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड ये विपास और इनसाइट बेस्ड मेडिटेशन का कोर प्रिंसिपल है, जो अपने आप आपका माइंड वहाँ पे इवॉल्व करता है। जब मैंने भी अपना मेडिटेशन स्टार्ट करा तो इनिशियली मैंने कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करा और खुद ब खुद बिना मेरे इवन डेलिब्रेट एफर्ट करे हुए कुछ सालों में अपने आप वो विपासना और इनसाइट बेस्ड मेडिटेशन बन गया। बट द गुड थिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन इज दैट इट वर्क्स वेरी वेल फॉर अ बिगिनर। एंड बिगिनर क्या, मैंने अपना मेडिटेशन 2012 में स्टार्ट करा था और अभी 2020 में जब मैं वाइट हैट जूनियर में स्टार्टअप में था और पूरा टाइम इतना कुछ होता रहता था और थॉट्स केओटिक थे, तो मैं विपासना के बजाय कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन करता था मॉर्निंग और रात को, ताकि अपने थॉट वेव्स को स्टिल कर सकूं और अच्छा स्लीप ले सकूं रात को और मॉर्निंग में प्रोडक्टिव हो सकूं। तो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन इज अ वंडरफुल प्लेस टू स्टार्ट फॉर बिगिनर्स। सो मेडिटेशन का थर्ड एंड फाइनल स्टेप, मेडिटेशन के कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पोज एंड प्लेस। पोज के लिए मेडिटेशन के दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं, स्थिर और सुख। स्थिर मीन्स आप अटेंटिव है एंड सुख मीन्स आप कंफर्टेबल है। दैट्स वाई मेडिटेशन के लिए बेस्ट पोज जो आप सिटिंग बुद्धा का पोज देखते हैं वो कहते हैं, क्योंकि आपका बैक वहाँ पे इरेक्ट है इसलिए आप स्थिर या अटेंटिव हैं। एंड अगर आप सिटिंग में कंफर्टेबल हैं तो आप सुख भी हैं। बट अगर आपको पेन हो रहा है लेग्स में जब आप क्रॉस लेगेड बैठते हैं, तो आप अपना लेग स्ट्रेच कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज योर बैक इज स्ट्रेट, यू आर प्रीटी मच वेरी कंफर्टेबल फॉर मेडिटेशन एंड यू आर अटेंटिव, स्थिर एंड सुख, एंड दैट्स अ गुड पोज। उसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं चाहिए। आप बेड के अंदर भी बैठ के मेडिटेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस एक कमिटमेंट चाहिए कि आप हर रोज 30 मिनट मॉर्निंग 30 मिनट्स नाइट कोशिश कर रहे हैं बस कॉन्सेंट्रेट करने का, एंड देन योर मेडिटेशन जर्नी कैन स्टार्ट। क्या होगा मेडिटेशन करके, बहुत जल्दी आपको ये चेंजेस दिखने लगेंगे। 3 महीने में यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर स्लीप। ये मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस स्लीपर था, हमेशा मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहते थे। एक टाइम पे मैं स्लीपिंग पिल्स भी लेता था, पर जैसे ही मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा 3 महीने में मेरा स्लीपिंग एकदम बेटर हो गया। क्योंकि जब आपका माइंड ट्रेन होता है सिर्फ एक थॉट सोचने का, और मैं सुबह 30 मिनट्स एंड रात को 30 मिनट्स बुद्ध का इमेज पे कॉन्सेंट्रेट करता था, तो ऑटोमेटिकली जब रात को वो पूरा रेस्टलेसनेस थॉट्स का स्टार्ट होता है, नए नए थॉट वेव्स आते हैं, वो होना बंद हो जाता है एकदम, क्योंकि आपको एक थॉट पे फोकस करने की आदत हो गई है। तो आपका स्लीप इंप्रूव होगा 3 महीने में। 6 महीने में आप देखने लगेंगे कि आपके काम में आपका कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बेटर होता जा रहा है। वो कैसे, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप बीच में फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेकअप करते हैं, कुछ व्हाट्सएप डालते हैं, बट मेडिटेशन बार करने लगेंगे तो आपको आदत पड़ेगी कि एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, इमीडिएटली आपका कॉन्सेंट्रेशन और अटेंटिवनेस बेटर होगा। रफली 12 महीने एक साल में आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो पर्सनल हो या काम पे हो, वो बेटर होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मेडिटेशन से जब आपको आदत पड़ती है कि एक थॉट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपको रियलाइज होने लगता है कि अच्छा ये एक थॉट आ रहा है, उसने मुझे ये कहा और मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, बट वो एक छोटा सा पॉज आ जाता है बिफोर यू रिएक्ट, जब आपको एक अवेयरनेस होता है उस थॉट का। एंड काफ़ी बार आप चूज करते हो कि नहीं रिएक्ट करो। 50% ऑफ द टाइम आपके रिएक्शंस वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, 50% ऑफ द टाइम, बट वो चेंज हो जाएंगे। मैं अभी भी काफ़ी जगहों पे वैसे ही रिएक्ट करता हूँ जैसे पहले करता था, इंपेशेंट हूँ और वैसे ही रिएक्ट करता हूँ, बट काफ़ी टाइम पे उस पॉज से मुझे रियलाइजेशन होता है कि अच्छा मैं ये बोलने वाला हूँ, और मैं रोक देता हूँ वो बोलने से। एंड उससे आप रियलाइज करेंगे कि उस कामनेस से, उस पॉज से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आता है सारे रिलेशनशिप्स में। तो बस सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट, एक फर्म कमिटमेंट, एक दृढ़ निश्चय बना दीजिए कि आप अगले कुछ महीने तक
सुबह 30 मिनट्स एंड रात को 30 मिनट्स, सोने से पहले 30 मिनट्स एंड जागते ही 30 मिनट्स आप कमिट करेंगे कॉन्सेंट्रेट करने का एक ऑब्जेक्ट पे मॉर्निंग एंड नाइट, एंड यू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड स्टार्ट टू सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आप डेफिनेटली मेरा ये विपासना मेडिटेशन का वीडियो भी चेक करें, थोड़े टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन से जब आप विपासना पे जाएंगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। मेडिटेशन में आपको क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या आपने पहले अटेम्प्ट्स लिए हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेकर अगले वीडियोस में उन पे फोकस कर सकूं। और डेफिनेटली वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वो आंसर्स मिल पाएं। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।